गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का वीडियो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही थोड़ी सी दिखा दिया, लालच के दिखा दिया कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैंने आज, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने आज बनाए हैं सूजी के फिंगर। ये कैसे बनाए हैं प्रॉपर रेसिपी दूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को रेसिपी ना दूँ, तो प्रॉपर रेसिपी दूँगी। यहाँ मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही थी कितने अच्छे और सॉफ्ट बने। चलिए इनकी ये रेसिपी देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई रखी है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल दूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी सूजी, तो उसी कटोरी के अकॉर्डिंग मैंने डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया है। नाप के ही डालना है, मैंने पहले ही नाप लिया था। तो अब मैंने इसमें डाल दिया एक कटोरी सूजी। जब मेरा पानी अच्छे से बॉयल होने लगा था, तब पानी डालने के बाद पानी को बॉयल करना है, फिर डालनी है सूजी। और बस इसको कुछ देर चलाते रहेंगे तो सूजी ये आपकी जो है वो स्टिक होने लगेगी। और मेरा ट्राईपॉड थोड़ा सा, पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया, इसलिए थोड़ा कैमरा जो है वो सेक ज़्यादा हो रहा है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूजी को। तो बस यहाँ पर सूजी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई और ठीक हो गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और यहाँ पर इसको फैला दिया है मैंने एक थाली में, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और ये हैं मैंने चार लिए थे मीडियम साइज़ के आलू और हरी धनिया, हरी मिर्च। तो अब मैं जो आलू हैं वो मैंने इसमें देखिए सूजी में मिला दिए हैं और उसमें हरी मिर्च, हरी धनिया डाल दी है। और डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जब सूजी आपकी ठंडी हो जाएगी तभी उसमें आप आलू मिलाइएगा, मेरी ठंडी हो गई थी। और डाल रही हूँ मैं उसमें थोड़ा सा जीरा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो देखिए डो मेरा रेडी हो चुका है। मैं इसमें लगा रही हूँ हल्का सा ऑयल और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो बस देखिए यहाँ पर तेल भी मैंने चढ़ा दिया है, तेल भी मेरा गर्म होने वाला है। अब मैं यहाँ पर जो मेरे फिंगर्स हैं वो बनाकर रेडी करूँगी। तो हाथों में पहले हल्का सा तेल लगा रही हूँ और इनको थोड़ा सा, बहुत स्मूथ बैटर रहता है, वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और बस इसको देख लीजिए मैं हाथों से किस तरह से फिंगर का शेप दे रही हूँ, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार ज़रूर आप लोग बनाकर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मेरा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मैं अपने, इकट्ठे सारे तो नहीं बनाऊंगी, थोड़े से मैं फिंगर बनाऊंगी, थोड़े से कटलेट बनाऊंगी। वैसे कटलेट बनाने के लिए इसमें आप लोग शिमला मिर्च, प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह। बट मुझे था कि मैं फिंगर बनाऊंगी, बट थोड़े से मैंने कटलेट भी बनाकर ट्राई किए, लेकिन फिंगर ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे। तो जो मेरे फिंगर्स हैं पहले मैं वो सारे बनाकर रख लूँगी एक साइड में, उसके बाद ही एक साइड इनको फ्राई करूँगी। तेल भी इनका क्या बोल, अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहेगा। तेल ठंडा रहा तो ये फटने के चांस रहते हैं, इसलिए तेल को आपको हाई गर्म करना है। तो यहाँ पर इतनी फिंगर मैंने बना ली हैं, पहले मैं इनको फ्राई करूँगी और उससे पहले थोड़े से कटलेट भी बनाकर रख लूँगी। कटलेट आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं नॉर्मल सा इसको टिक्की का शेप दे रही हूँ, बस इसी तरह नॉर्मल सा शेप दे दूँगी। थोड़े से कटलेट भी बनाकर रख लूँगी ताकि मुझे ना फ्राई करने में आसानी रहे। गैस की फ्लेम भी धीमी है, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि तेल वो हो, तेल अच्छे से गर्म भी है और मैंने धीमा भी कर दिया है ताकि ठंडा भी नहीं होगा इस तरह में। तो कटलेट बना लूँगी, उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर करने जा रही हूँ, अब अपने फिंगर जो हैं वो फ्राई करने जा रही हूँ। तो एक एक करके इकट्ठे ढेर सारे नहीं डालने हैं, नहीं तो ये आपस में चिपक भी सकते हैं। एक बार में 5 से 6, 7 या इससे ज़्यादा नहीं डालिए, तेल के अकॉर्डिंग जितना आप तेल डाल रहे हैं। ये नहीं कि सारे जितने बने उतने एक साथ डाल दें, इससे दिक्कत होगी। देखिए मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, इतने ही डाले हैं। और कुछ देर के लिए मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था इनको, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। अगर आपने हल्के में छेड़ दिया तो जो ये सारे हैं ये आपस में फट जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था। अब इनको फुल फ्लेम पर करके बहुत अच्छे से देखिए मैंने फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जितने देखने में अच्छे हैं ना उतने खाने में बहुत टेस्टी लगे थे, हमारे यहाँ घर में सबको बहुत पसंद आए। देखिए तो इसी तरह से जो मेरे बाकी जो फिंगर मैंने बनाकर रखे हैं वो भी फ्राई कर लूँगी और अपने कटलेट भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे वेट कर रहे थे। बच्चों को कुछ इस तरह का बनाओ ना तो बहुत वेट रहता है, इसलिए मैं अधिकतर इन सब तरह की चीज़ें शाम को ही बनाती हूँ। बट आज मेरा मन हो गया तो मैंने ब्रेकफास्ट में ही बना लिए। तो बस मेरे ये जो फिंगर्स हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं, बाकी कटलेट वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शेजवान चटनी भी ले सकते हैं, मेरे पास थी नहीं, मेरी ख़त्म हो गई थी। और देखिए बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट भी बने थे। देखिए अंदर से एकदम, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब?
तो मॉर्निंग का पौने 12 बज रहा है, अभी 15 मिनट बाकी है आफ्टरनून होने में, मॉर्निंग ही है। तो आज का जो वो मॉर्निंग रूटीन था, सारा काम करने के बाद नहाया, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट क्या बनाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों ने देखा, और बिलीव मी गाइस बहुत टेस्टी बने थे। मैंने ना फर्स्ट टाइम बनाए थे, लेकिन सोच काफ़ी दिनों से रही थी बनाने का, बट बना नहीं पा रही थी, ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि मैं बना पाऊँ। आज फाइनली मैंने बना ही लिया। एक्चुअली वो कल रात में आलू उबाले थे कल, हाँ रात में नहीं, कल सुबह मैंने आलू उबाले थे। मैंने सब्जी कल बनाई थी आलू चने की, तो वो आलू रखे हुए थे, 4 आलू थे मात्र, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सूजी वगैरह भी सब करी थी, तो कम बने थे। और आप लोगों को बता दूं, आज अभी बच्चों का मन नहीं भरा, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नहीं बने थे, थोड़े से ही बने थे, तो बच्चों का मन नहीं भरा, हम सब ने मिल के खाए थे। तो शाम को फिर से यही स्नैक्स में भी यही बच्चों को ने बोल दिया, यही बनने का प्लान है। तो मैंने कहा चलो बच्चों का मन नहीं भरा है तो फिर से बना लूँगी शाम को, तो बच्चे खा लेंगे अच्छे से, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। दोनों ही बच्चे जिद कर रहे थे कि भी शाम को भी खाने हैं, तो शाम को भी वही बनाऊंगी। अभी जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने, लंच मैं आज नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी आज। दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी तरोई की, तो तुरई की सब्जी बनेगी, हम लोगों को बहुत पसंद, हमारे यहाँ बहुत बनती है, दो दो तीन तीन दिन के बाद तुरई बनती ही बनती है, और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है तुरई की सब्जी, और फायदेमंद तो होती ही है। तो बस लंच बनाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि लंच बनाने के बाद होता क्या है, इतना ज़्यादा पसीने से भीग जाओ, नहाओ, फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर लगता है रिलैक्स हो जाओ, लेट थोड़ी देर रिलैक्स हो, उसके बाद खाना पीना खाओ, फिर एक आध घंटा लगता है आराम कर लो, तो फिर रह जाता है, फिर वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाती। तो मैंने कहा अभी आप लोगों से बात कर लूँ, सुन रहे हैं ना आप, इसको कान पूरे मेरे बजाय दे रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, और सुबह सुबह से क्या होता है, रेडी हो जाओ तो पूरा दिन ठीक रहता है, और सुबह अगर कहीं ना करो रेडी ना हो ना, तो पूरे दिन ऐसे ही गंदा गंदा सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, भले ही पसीने में सब निकलेगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, रेडी हो जाती हूँ, अभी तो 12:15 बज रहा है, खाना बनाऊंगी, टाइम लगेगा। तो रेडी हो गई थी आप लोगों से बात करने के लिए, और बताइए आप लोगों का क्या चल रहा है और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो 4 दिन का लॉकडाउन पहले से ही था, और वैसे भी पूरा यूपी में ही हो गया, फतेहपुर में हमारे 4 दिन का लॉकडाउन हो गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर ये हुआ, पूरा यूपी ही लॉक है 13 तारीख तक, तो लॉकडाउन चल रहा है फिर से, वही सिचुएशन इतनी हाथ से निकलती जा रही है, सिचुएशन इतनी टेंशन होती है ना, जरा सी छींक अगर आती है तो दिमाग सीधे वहीं पहुंच जाता है। और मैंने ना चूड़ियाँ आप लोगों ने देखी होंगी मेरी, ग्रीन ग्रीन सावन स्टार्ट होने में मैंने पहन ली है, और कल मैंने ये ग्रीन नेल पेंट भी लगाया था, एकदम ग्रीन तो नहीं है मेरे पास, यही था तो मैंने यही लगा ली, और अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा बताइएगा, ग्रीन चूड़ियाँ मंगाई नहीं है पिछली बार की, रखी है, ग्रीन सूट भी है, देखिए ब्लू और ग्रीन मैचिंग कर रहा है, मंगाई नहीं है पिछली बार की, रखी थी तो मैंने वही पहन ली, ढूंढ के ढूंढनी भी नहीं पड़ी एक्चुअली, मैं बाहर ही ऐसे नहीं है अभी, क्योंकि ये वाली जो ड्रेसिंग है अभी बनी है, तो इसको मैंने अभी अरेंज किया था, तो मुझे पता था कि चूड़ियाँ कहाँ रखी है, फटाक से मिल गई, मैंने पहन ली ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ। और किस किस ने सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। तो खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ आप लोगों से मिलूँ, फिर देखिए शाम ही हो जाएगी पक्का, मुझे पता है शाम हो जाएगी, शाम को बिट्टो आएंगी, आज आप लोगों को थोड़ा सा बिट्टो से भी मिलवाऊंगी, आएगी शाम को 5:30-6 तक आ जाती है बिट्टो, तेल वेल लगवा के, और तेल क्या मसाज वगैरह हो जाती है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, गर्मी है, बच्चे दोनों टाइम कपड़े चेंज करते हैं, दोनों टाइम कई बार हो जाते हैं बच्चों कपड़े चेंज, तो शाम को वो रेडी होके आएगी, फिर वो जाती है 9:30, किसी किसी दिन जल्दी चली जाती है, किसी किसी दिन और लेट में जाती है, तो फिर ऐसा होता है। बिट्टो क्या कर रही हो मेरी सेल्फी स्टिक से बेटा, मैं वीडियो बनाने जा रही थी तब तक तुम आ गई। बिट्टू इधर देखो, बिट्टू बिट्टू इधर देखो, बिट्टू दे दो, नहीं देंगे नहीं देंगे बिट्टू, नो बिट्टू मुंह में नहीं करते, बिट्टू बिट्टू इधर देखो बेटा, शुरू हो गई लड़ाई दीदी से, दे दो मैं रोने लगेगी, बिट्टो इधर देखो बेटा, बिट्टो इधर देखो, गन्ना बच्चा इधर देख नहीं लाए, महिमा बहुत तेज पिटाई करेंगे, दे दो उसको, रुलाओ नहीं, बिट्टो इधर देखो बिट्टू, ये बिट्टो हाय बाय कर दो, हाय कर दो, चलो
मेरो चलो हाँ हाय। ये क्या कर रही है मुंह में, जैसे कुछ खाने को टेस्ट मिल रहा है। हाँ बेटो टेस्ट कैसा है इसका? बैठी कैसे है? कौन कौन ऐसे बैठता है? तुम बैठती रहो महिमा, बैठो। ये देखो महिमा अभी भी बैठ लेती है। बिट्टू निया नहीं, गंदी बात। अरे मैं हटा दो बेटा, हटा दो इसको, हटा के रख दो, हटा के रख दो इसको। सेल्फी स्टिक मुंह में डाल रही है। दे दो, रो जाएगी। दे दो थोड़ी देर के लिए दे दो, महिमा आप पिटाई करेंगे। बच्चों से बच्चे बन जाती है। बिट्टो इधर देखो, बिट्टो बुआ से बात कर लो, बिट्टो बुआ से बात कर लो। हाँ इससे बात करोगे, ये सब चीज़ें फ़ोन बन जाती हैं बिट्टो के लिए। बात कर लो बुआ। अरे टीवी तो म्यूट कर दो, मुझे याद ही नहीं था टीवी चल रही है। म्यूट करो टीवी। बात कर लो बुआ से, बात कर लो बेटा। हेलो बुआ, आओ बिट्टो बुला लो, आओ बिट्टो ऐसे ऐसे बुला लो, बिट्टो ए बिट्टो ऐसे ऐसे बुला लो, आओ 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 बुला लो, आओ आओ बिट्टो बुला। महिमा अपने ही मार रही हो। अच्छा बेटो बाय कर लो, बाय बाय करो, बाय करो, बाय, गुड गर्ल। तो यहाँ पर देखिए महिमा, नैतिक, जिया जी और भैया, भैया मीन्स बिट्टो के पापा, ये लोग यहाँ पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी बाहर, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं ये लोग कैसे खेल रहे थे। मैं तो थोड़ी देर बैठी थी और चली गई थी अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, शाम का टाइम है, अच्छा लगता है। बच्चे करें भी तो करें क्या इस लॉकडाउन में, बाहर तो जाना नहीं है तो अपना घर के बाहर ही खेल लेते हैं। और इस समय सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, भैया वगैरह सबकी छुट्टी चल रही हैं। मैं अंदर आ गई थी यहाँ पर अपनी तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि शाम को मैंने कितनी क्वांटिटी में बनाया था। तो सुबह तो मैंने बहुत ही कम बनाए थे, बट हाँ शाम को मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली थी और हम सब ने ही खाया था, बहुत टेस्टी बने थे। टाइम देखिए पहले आप लोग, तुम मुझे बताओ कितना बज रहा है? 10 बज रहा है और इन लोगों के चक्कर में मैं अभी फ्री हुई हूँ। और इतनी तेज वाली गर्मी हो रही है कि ये पूरे बाल गीले हो गए हैं। मैंने पता है ना आज चोटी करके रखी थी, ब्रेड बना के रखी थी बालों में, तो पूरी अभी खोली है तो देख सकते हैं आप लोग बाल कितने करली हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब नीचे ना बाल पूरे गीले हो गए, इतनी गर्मी हो रही है। किचन में जाने में पता है आप लोगों को दिखाया था ना मैंने जो स्टफिंग, वो सॉरी जो बैटर वगैरह था, मतलब जो डो था, वो मैंने आज ये बोल रहे थे, पता नहीं क्यों सुबह इतनी गर्मी नहीं थी, शाम से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो गई, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मैं यहीं पर बैठ के मैंने सारा काम किया था, यहीं पर ही सारे फिंगर भी बना लिए थे, बस फ्राई करने के लिए किचन में गई थी। बाप रे इतनी गर्मी की मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये सब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पूरी इचिंग हो रही है पसीने की वजह से। मैं नहाने जा रही थी पर पहने का, नहाने के बाद नाइटी पहन लूँगी, उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो का अपने एंड कर दूँ, बता दूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा नहाऊँगी बाद में। और आज पता है ना मैंने खाना बना के सुबह नहीं नहाया था, मेरा मन नहीं हुआ, लाइट आ रही थी, इन्होंने एसी खोल दी थी, बस मैं खाना बना कर आई तुरंत। तो वैसे भी नहीं नहाती हूँ क्योंकि 2-4 मिनट रुक के ही नहाना होता है, तो मैंने कहा तुरंत नहा। क्या हुआ, क्या कर रही थी? तो यहाँ तो इतनी गर्मी है कि वो यहीं पर तुमको करना चाहिए था। हाय कर दो, बस चीकू के लिए इंतजाम कर रही थी किचन में खड़े होके पागल। मैं मुझे क्या पता क्या कर रही, मुझे लगा छत वत में गई होगी और ये यहाँ किचन में खड़ी थी इतनी गर्मी में। बाल बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बनाया था मैंने और बनाते बनाते बच्चों ने तो डिनर उसी का किया, हम लोगों ने तो एक ही डेढ़ पराठे खाए थे, क्योंकि इतना तो देखिए इसमें नहीं होता है, डिनर तो चाहिए ही चाहिए इस चीज़ों में। तो बच्चों ने, लेकिन हाँ बच्चों ने डिनर नहीं, बच्चों ने कुछ और नहीं खाया उसके अलावा। कैसे बने थे फिंगर? बहुत अच्छे। उधर बैक कैमरे से नहीं चालू है, बताओ ना अच्छे से आवाज से। बहुत अच्छे बने थे। सभी लोग ट्राई करें कि ना करें? बहुत अच्छे बने थे। हाँ, ट्राई करना, बस अभी भी रियल, अभी अभी भी 4-5 बचे हैं, 4-5 बच गए हैं। मतलब हम लोगों ने ये हुआ कि बच्चे खा ले, पहले हम लोगों ने पराठे खा लिए, फिर पेट में जगह नहीं बची तभी ये रख दिया। और फिर मेरा मन तो अभी है, मैंने ऐसे एक पराठा खाया था बट इतनी गर्मी लग रही थी, अब थोड़ा सा जब ठंडाऊंगी तब मन होगा तो खा लूंगी, ठंडे हो जाएंगे, वैसे भी अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लेती हूँ। ऐसे कुछ नहीं कि नहीं मुझे गर्म ही मिले, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि बस मैं तुरंत आई, मैंने ग्लूकॉन डी पिया,
क्योंकि बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि नहीं कुछ चाहिए ठंडा ठंडा, इन्होंने ग्लूकॉन डी बना के दिया, मैंने ग्लूकॉन डी पिया। बस ये तो कहिए कि 5-10 मिनट के लिए लाइट चली गई, जितनी देर मैंने बना के बाद कमरे में लाइट चली गई, अभी भी लाइट आई तो मैंने कहा सब खट से पहले सबसे पहले मैं अपना वीडियो बनाऊं। आजकल जवान बहुत जी बहुत लटपटा आ रही है, मैंने कहा खट से पहले अपना वीडियो बना लूं उसके बाद, क्योंकि लाइट का पता नहीं क्यों गर्मी में कोई भरोसा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये रेडनेस, ये सब खुजली की वजह से, अभी इचिंग हो रही थी तो वही रेडनेस हो गई पसीने की वजह से। नहीं नेक्स्ट वीडियो नहीं, हम लोग कुछ सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ धमाकेदार अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग डेली व्लॉग्स देख देख के बोर हो गए हो। तो कुछ नहीं नहीं आप लोग गेस करके बताइए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, चैलेंज वीडियो नहीं है उसके अलावा कुछ है और कुछ तरक्ता भड़कता वाला कुछ वीडियो आने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन तो अगर ऑन कर लेंगे तो बहुत तरक्ती भड़कती चीज आएगी, एक वीडियो नहीं कई सारे वीडियो लगातार अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। थोड़ा सा सोच रही बस गर्मी कम हो यार, बहुत गर्मी है और हर समय ना रूम में बैठा भी नहीं जाता है। और थोड़ी देर के लिए अपने शाम को ये लोग खेल रहे थे बैडमिंटन वगैरह भी बाहर खेल रहे थे, इतनी गर्मी में आके फिर ये लोग नहाए हैं तुरंत, आके नहाए तुरंत समर में, ताऊजी का समर चलवाया, लोग समर में नहाए हैं फिर, क्योंकि भाई बहुत ही गर्मी हो रही, सभी लोग ये लोग खेल रहे थे बाहर, क्योंकि बिना आके पसीना निकले और नहाए बिना तो होता नहीं है, क्योंकि इतना पसीना निकल रहा था। मैं 5 मिनट कल बैठी हूँ, मैं भगया है अंदर, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी, बिट्टो का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसके भी पसीना निकल रहा था, बच्ची है। तो बस फिर यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए दीजिए, देख लीजिए पीछे से बैकग्राउंड आ गया लाइक करने का, बहुत गर्मी हो रही है यार। बस अब तो लग रहा है फटाफट जा रही हूँ, नहाऊंगी नहा के नाइटी चेंज करूंगी, फिर खेलेंगे हम लोग क्या लूडो। आज एडिटिंग तो रहेगी नहीं, फिर वीडियो लेट हो जाएगा सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि मेरी आदत हो गई है मैं रात में एडिटिंग करती हूँ, दिन में एडिटिंग नहीं करती हूँ। हम लोग एक दिन लूडो चैलेंज करेंगे। हम क्या होता मैं रात में एडिटिंग करती हूँ, बट अब ये लोग आज अभी लेट हो गया एडिटिंग कर नहीं पाए, अभी वीडियो ही बन रहा एडिटिंग क्या कर पाती, इसके बाद फिर लूडो खेलेंगे। मेरे लूडो के दोनों सोते नहीं है, लूडो खेलेंगे, लूडो खेलते खेलते बज जाता है 11, फिर ये चिल्लाने लगते हैं, बोल देते हैं कि अब रात में जगोगी देर तक, फिर सुबह उठना रहता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ रखती हूँ, नहीं तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय।